आज हम बैक्टर वाला टैग बनाएंगे जिसमें जींस का बैक्टर लगेगा बैकग्राउंड में। इसका पहले हम बैकग्राउंड हटाएंगे, जिस तरह से अगर मैं इसमें अगर बैकग्राउंड में येलो करूँगा या फिर ब्लैक करूँगा या रेड करूँगा, कंट्रोल एक्स भी करूँगा, तो ये बैकग्राउंड में आएगा नहीं। तो इसको हटाने के लिए मुझे करना पड़ेगा इसको लोगों में जाके इसका बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा इसको, या फिर कोई सा भी कलर को हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा ऐसे टैग। इस तरह से आएगा। अगर हमें इससे भी अच्छा करना है तो यहाँ पे जाके इसको परसेंटेज बढ़ा के इस तरह से फिर इसी में जाएंगे और यहाँ पे ब्लैक कर देंगे इसको पूरा। फिर दोबारा उसमें जाके जूम करके देख लेना कि हाँ फट तो नहीं रहा या फिर आ नहीं रहा कुछ इस तरह से। ओके, फिर दोबारा ये हो चुका है ये। फिर यहाँ से मैं इसको पूरा कर दूँगा इस तरह से। अब आएगा, पहले डॉट वॉट नहीं आ रहा था, अब डॉट भी आने लग गया है। इसको डिलीट, ये आगे कंट्रोल यू, इसको डिलीट किया, कंट्रोल यू इसको डिलीट करूँगा और बाकी कंट्रोल जी करके मैं इसको साइड में कर दूँगा और टैग का साइज ले लूँगा मैं 60 हवाई 120 60 120 60। कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही कम हो रहा है, तो ये मैं ले लूँगा 65। और मैं इस जीन्स को कंट्रोल यू करके कंट्रोल जी सी और ये इस तरह से बीच में आ जाएगा। ये अकेला बेकार लग रहा है, तो ये मैं हटा के ये दोनों डाल दूँगा, कंट्रोल जी दोनों को सेलेक्ट किया, सी और ई छोटा करूँगा मैं इसको इस तरह से। बैकग्राउंड में अगर कोई कलर करना है तो हम बैकग्राउंड में कलर भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया डिलीट, इसको सेलेक्ट किया डिलीट, इसको भी डिलीट, मतलब जहाँ जहाँ वाइट आ रहा है या फिर कोई सा भी कलर आ रहा हो वहाँ से हटा देना है दूसरा कलर आ। तो ये पूरी तस्वीर क्लियर, कंट्रोल जी और यहाँ पे पी किया, इसको भी पी किया, तो इस तरह से आएगा ये। अगर बैकग्राउंड मुझे ग्रे करना है, ग्रे बेकार लग रहा है, इसी का ये जो कलर है इसको लाइट करूँगा मैं, डबल क्लिक और यहाँ से ऐसे इस तरह से। यहाँ पे मैं डालूँगा नाम, नाम आप कुछ और भी ले सकते हो, कंट्रोल एक्स भी छोटा करूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा जींस, जींस का फॉन्ट चेंज करूँगा मैं F10, कर्व से खोला छोटा किया सिलेक्ट किया और R कर दूँगा। मुझे बस B तक रखना है, B तक यहाँ तक बस। अब मैं इसका कलर चेंज करूँगा, लाल हो गया या रेड भी हो सकती हूँ, लाल भी हो सकता, तो इसको जी और सी एंटर कर दिया इसको। अगर मैं इसको नीचे करूँगा और इसका लोगो में लगाऊँगा, देखता हूँ कहाँ पे आएगा सही लोगो। लोगो में यहाँ पे डालूँगा, यहाँ पे छोटा सा करके इस तरह से, तो मैं यहाँ पे लोगो डाल दूँगा यहाँ इस तरह से।
फिर मैं यहाँ पे ये भी डाल सकता हूँ, मैटर कुछ भी ले जाए नेट से मिल जाता है जींस के बारे में, तो उस हिसाब से हम डाल सकते हैं। ये डाल दूँगा मैं, इसको नीचे चला कंट्रोल एक्स भी, हॉल ले लूँगा मैं इसका, इस तरह का हॉल 6x12 का, 6x12 टेन किया, कर्व किया और इसको सी और टी नीचे ले लूँगा मैं ले लूँगा इसको 12mm नीचे, 12mm इतना हो जाएगा। फिर ये छोटा करना पड़ेगा मुझे इस तरह से, और ये टैग सुपर सिंपल है ये, जिसमें मैं इसको एक लाइन में करता हूँ छोटा करके, एक पट्टी लूँगा मैं इसका, पट्टी लेने के बाद मैं इसमें कर दूँगा ब्लैक कलर, आउटलाइन हटाऊँगा इसका यहाँ से, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स भी, और मैं कर दूँगा यही कलर, इसको थोड़ा सा जूम करूँगा, इस तरह से ही आ जाएगा ये ब्लैक। अगर मुझे और कुछ लिखना है यहाँ पे तो कुछ और भी लिख सकते हैं, जो है छोटा करने की वजह से ये देखें लोगो ऊपर चला गया इसका, तो मैं इसका लोगो यहाँ पे लाऊंगा। तो ये हमारा टैग हो गया तैयार, इसका टिकली हम बनाएंगे, जिसको टिकली बोल दी या छोटा टैग भी बोल सकते हैं इसको, जिसका 20x20 और इसके देखते हैं नाम के ऊपर ही तक रखना सही रहेगा इस तरह से, नहीं तो ना अगर ज़्यादा लंबा लेना है तो मैं कर दूंगा इसको 18 और इसका हाइट बढ़ा दूंगा मैं, इसको नीचे से निकालूंगा, ये देखिए लोगो लिया यहाँ पर रखा, लोगों को साइज भरा और सी दोनों को सिलेक्ट करके सी, और ऐसे मैं इसमें एक कलर डालूंगा ये वाला, यहाँ से लेके इसको छोटा डब्बे करूँगा और हल्का ऊपर करूँगा, क्योंकि अगर ये साइड में अगर कट टूट जाए तो झलक न मारे, तो मैं इसको कलर कर दिया कंट्रोल एक्स भी, इस लाइन को मैंने किया रिमूव यहाँ से और सबको सेलेक्ट करके साइड में कर दिया ऐसे, और मैं बैकग्राउंड ना वाइट ही रहेगा या फिर मैं लाल भी कर सकता हूँ, इसको नाम लिया यहाँ से, ये जीन्स को हटाऊँगा मैं और सी इसको मैं ये कलर से दूंगा, देखते हूँ आएगा नहीं आएगा, सही लग रहा है कलर, तो मैं इसको नाम को थोड़ा फैला देता हूँ इस तरह से, इस तरह से इसका नाम आएगा, यहाँ पे हॉल दूंगा मैं इसमें, नीचे करूँगा इसको तो ये कुछ ज़्यादा ही, इसको छोटा करना हल्का सा, इसको कंट्रोल जी किया और इसको सेंटर में लाया, सी डी किया इसको कंट्रोल नीचे वाले जो बड़े वाला टैग है, कंट्रोल एक्स भी, ये स्लैब्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल पहले जी करूँगा मैं फिर कंट्रोल एक्स भी, ये इस तरह से टैग आएगा बैक में चला जाएगा, एटिकली ये टैग इस तरह से आपको दिखेगा, जो कि यहाँ से मैं दिखाऊँ इस तरह, और दूसरा मैंने वेक्टर ले रखा है यहाँ से, दूसरा वेक्टर मैं लूँगा इसको दूसरे उसी पेज पे ले जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे साइड में रख दिया, इसको भी इसी तरीके से रखूँगा, पहले इसका कलर सही से नहीं दिख रहा है इसका, तो परसेंटेज बढ़ाऊँगा यहाँ से, फोटो पहले क्लियर हो गया है, फिर मैं इसको यहाँ से इसको, इसमें कलर ज़्यादा है इसलिए वो नहीं हो पाएगा, जो मैंने शुरू में पहले वाले में किया था टैग में उसमें दिक्कत देता है, ब्लैक कलर को सही से कर देता है वो, जिसकी वजह से कलर वाला जो होता है उसको हम बस परसेंटेज यहाँ से बढ़ा सकते हैं इसको फोटो को सही से बना के, और इस तरह से ये आएगा बाहर निकल जाएगा इस तरह से, वेक्टर बन जाएगा जिससे बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं इसको, ये ओके किया हमने और ये फोटो को डिलीट किया यहाँ से लिया, इसको सेलेक्ट करने के बाद
इसको हम देख लेते हैं पहले, कोई पैक में तो इसको कोई दिक्कत तो नहीं दे रहा है, तो मैं इसको ग्रीन कलर करूँगा। कंट्रोल एक्स भी, ये हल्का हल्का आउटलाइन आ रही है, तो आउटलाइन हटाने के लिए मैं पहले इसको कर दूँगा, लॉक कर दूँगा इसको, और यहाँ से इसको हटा दूँगा। इसमें भी आया डिलीट, डिलीट करने के बाद नीचे भी देख लेता हूँ, यहाँ से भी डिलीट, और इसमें से भी डिलीट करना पड़ेगा। इस तरह से इसको अनलॉक किया, डिलीट, और मैं इसका टैग का साइज लूँगा, 64 लूँगा टैग इसका, का साइज होगा 90x200, कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये हाइट बढ़ाना पड़ेगा इसको, तो ये मैं कर दूँगा 80x105। तो मैं इस टैग को छोटा करूँगा, ये नीचे किया, और मैं इसका नाम लिया सेवी करके, यहाँ पे सेंटर कर दिया, इसको ऊपर किया कंट्रोल यू, ये नाम सेलेक्ट करके फॉन्ट चेंज करूँगा मैं इसका, सुपर सिंपल फॉन्ट, थोड़ा इसका साइज बढ़ाऊँगा, इसको भी सुपर सिंपल कर दूँगा मैं, दोनों को सेलेक्ट करके आर, इसको हल्का सा नीचे लूँगा, या फिर मैं इसको टेन करके खोल के इसको सेंटर में ले लूँगा, हल्का सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो गया ये, इस तरह से। कितना बड़ा ही सहलेगा, और मैं इसमें हॉल डालूँगा, इसका हॉल रहेगा 7x7 का, दोनों साइड के COT नीचे करूँगा इसको, इसमें नीचे ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, इसमें करूँगा 6mm नीचे, तो मैं इसको COT दोबारा करूँगा, नीचे करूँगा इसको, इस तरह से। ये हो गया हमारा टैग तैयार। अगर हमें लोगो लगाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे छोटा करके पैच फेस का है जो इसको बोलते हैं पैच, यहाँ पे लोगो लगा दूँगा मैं इसका, और इसको कर दूँगा वाइट कलर पैच को, वाइट, यहाँ से ये फोटो नीचे जा रहा है, तो ये इसको कंट्रोल एक्स भी, इस तरह से। का आउटलाइन मुझे ब्लैक ही देना पड़ेगा, ऐसे ये चमके, दूर से देखने में चमक रहा है, तो इसमें मैं अगर और कुछ डालना चाहूँ तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, यहाँ पे इस तरह से। ऐसा नहीं है कि इसे कुछ भी डाल सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो, मतलब इसका जरूरी नहीं है कि यहीं पे डाले वगैरह वगैरह, आपकी मर्जी होती है इसमें, जहाँ पे अच्छा लगे। तो मैं इसका यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ, तो इसका साइज में बढ़ाऊँगा, इसको 5mm कर दूँगा ज़्यादा, तो 105x110 कर दिया मैं इसका साइज, हल्का नीचे करूँगा मैं इसका, इसको भी ऊपर करना पड़ेगा हल्का सा, हॉल देख ले रहा हूँ मैं, COT नीचे किया, यहाँ पे डाल दिया, हल्का सा छोटा करूँगा मैं इसको, यहाँ से खोलूँगा F10 करके इसको, और हल्का सा एक छोटा सा डब्बी ले लूँगा मैं इसका, यहाँ से डब्बी लिया इस तरह का, यहाँ से इस तरह से, और ये सी और ई, इसमें कर दूँगा मैं इसका कलर, ये आउटलाइन रिमूव किया कंट्रोल के साथ, इसको पेज डाउन कर दिया, और मैं करूँगा इसका बैकग्राउंड में वाइट कलर, सही नहीं लग रहा है ये, तो ये ऐसे रहने दूंगा इसको,
कंट्रोल जेड करूँगा और मैं इसमें, यह हो गया टैग हमारा तैयार। इसका साइज जैसे लग रहा फूलेगा ज़्यादा, तो मैं इसको हल्का सा छोटा करूँगा इस और साइड से दबा दूँगा। यहाँ से इसका साइज हो जाएगा 70x110। ये हो गया टैग। अगर हमें कोई और सा टिकली बनाना है तो इस तरह का हम टिकली बना सकते हैं, इसमें गोला वाला सी टी किया, देख लेंगे हम 50x50 की टिकली कर देंगे, 50x50 सी टी, जो कि मैं इसको साइड में रखूँगा होल के साथ। यहाँ से ये डिलीट और डिलीट नाम लिया, और मैं इसको एक और डब्बी लूँगा अंदर से इस तरह से, इसका इसको इस तरह से सिलेक्ट किया तो इसमें गए और यहाँ पे इस तरह से, और ये इसको यहाँ पे रोटेट करके लगा लेना है। फिर यहाँ पे देखना है साइज, जिसको सही करना है इसका, इसका मैं साइज करूँगा 24। 24 करने के बाद यहाँ पे इसको खोलूँगा, 24 कम हो गया ये, तो मैं इसको कर दूँगा 28। मैं बैकग्राउंड में इसका कलर कराऊँगा, ये जीन्स का कलर है। यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल एक्स भी, और ये हल्का सा ऊपर कर दूँगा मैं इसको, मैं कहीं कटने का डर हो जाता है, तो इस तरह मैं इसका करूँगा कंट्रोल डब्बे को सेलेक्ट कर, दो बार क्लिक करूँगा डब्बे सेलेक्ट कंट्रोल एक्स भी। अब ये डब्बे को छो चुका है ये, तो इसको मैं लोगो लूँगा, लोगो इस तरह से आ जाएगा, ये छोटा कर दूँगा हल्का सा, और ये मैं कर दूँगा हल्का सा मोटा, हल्का छोटा करके इस तरह से। इसका आउटलाइन मैं दे दूँगा ब्लैक से ही, नहीं रेड से ही सही रहेगा, और इसको हल्का सा बड़ा करके इसमें मैं कर दूँगा यही कलर ये, और ये हो जाएगा हॉल हमारा भी, ये हॉल हो जाएगा। हम इस पर यूवी भी दे सकते हैं, इसको और बड़ा करना है तो हम बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। ये हो जाएगा हमारा टिकली, इस तरह से हमारा टिकली तैयार। ये हो जाएगा, इसको हम करेंगे डिलीट, कंट्रोल जी डोल जी ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी और पी, पूरा सेंटर में है ये हमारा हो गया टैग तैयार है।